हेलो हेलो, ये देखिए ये टूटा है, ये काउंटर पिनियन है। हर एक सामान आपको गाड़ी के यहाँ मिल जाएगा भैया लोग, सब पार्ट पुर्जा मिल जाएगा। ये भाई साहब खाना खाने गए हुए हैं भैया लोग, गाड़ी में ना भूसा घुस गया, ये चूहा बड़का इतना बड़ा है। नमस्ते भैया लोग, कैसे आप सब? आपका भाई के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। भैया लोग, मैं भी गैरेज में, गाड़ी का कल तो काम हुआ नहीं तो अभी काम करेंगे। मिस्त्री भाई लगे हुए, वो तो खुल गया है तो अब उसका नट बोल्ट खोल रहे हैं। ये गाड़ी बहुत भयंकर लगा, देखिए जी ये ड्राइवर से हूँ, ये ड्राइवर यहीं पर है, देखिए गाड़ी कैसा भयंकर लगा है। तो भैया लोग नींद में लगा है तो ड्राइवर यहीं पर है, ड्राइवर कुछ नहीं हुआ है। बोले भैया नींद में 2 बजे रात में ठहला रहे थे, आँख बंद हो गया, देखिए बाएँ से लगा है पूरा, गाड़ी एकदम चपटा हो गया है। भैया लोग, सब ड्राइवर भाई को बोलता हूँ मैं, नींद में गाड़ी मत चलाइए, नींद में गाड़ी बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। भैया लोग भैया लोग, आपको दिखाते हैं, देखिए मेरा गियर खुल गया है, देखिए उसमें क्या क्या होता है। अभी देखिए भैया लोग, ये खुल गया है, अब इसका नट बोल्ट खोलेंगे तब ये पूरा बाहर होगा पाठ पुर्जा। भैया लोग जाते हैं बाजार, आज भैया लोग आ रहा है, मालिक बाबू लोग तो कुछ बनाते हैं, बोला कुछ बनाओ राजेश, तो जाते हैं मच्छी लेंगे, मुर्गा का नहीं लेंगे, मच्छी लेके आएंगे, मछली बनाएंगे और गाड़ी का काम भी होगा। इंजन गाड़ी का देखिए कितना काम होता है, और भाई के साथ बने रहिए भैया लोग, ब्लॉग का जैसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज आपका भाई के साथ कितना काम होता है, गाड़ी का बहुत काम है जी, परेशान हो गए हम। दाम को तो 200 कौन का हेलो भैया लोग, आ गए गैरेज में सामान लेकर, मच्छी ले लिए और पूरी लिए है, तो भाई का भी ले लिए। तो देखिए ये नाश्ता कर रहा हूँ, पूरी है छोला, और इधर में देखिए खुल रहा है, देखते हैं। तो इसको पहले उठा के ऊपर रखे, कितना भारी है ये बताइए, 2 आदमी उठा दिए। पहलवान, ये भी पहलवान है भाई मेरा, मिस्त्री, वो गलो खाना खाते हैं, इसको खुलवाते हैं और जाके मछली बनाना है, इतना काम करे जी, खाना भी बनाना है। और भैया आ रहा है ना, उसने बना लिए, नहीं तो नहीं बनाते, होटल में खा लेते क्या भाई बड़ा राजेश, कुछ बनाओ तो उसे चलिए उठाए, देखिए उसको उठाते है, उठता है कि नहीं। अरे बाबा रे, इधर रखना है। हेलो हेलो, ये काउंटर पिनियन टूट गया, 3 गो, ये 3 समय इसमें जाता है, ये टूट गया है काउंटर पिनियन। पिनियन लेके भैया आ रहा है, उनको बोल दिए है, बोला ठीक है हम लेके आते हैं। बैरिंग भी लगेगा, बैरिंग भी ख़राब हो गया है, तो यही है और सब ठीक है, और सब में दागे 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 है, और सब ठीक है जी, ये सब ठीक है, ये अंदर वाला भी ठीक ही है। हेलो हेलो, अभी जा रहे हैं हम आलमपुर, ये सामान लेकर उसको खुलवाने, क्योंकि मेरा गैरेज का आज ये सब बंद है, क्योंकि आज संडे है तो छुट्टी किया हुआ है भाई लोग। चलिए बस सामने ही है, मतलब टोटो से जा रहे हैं, देखिए तो सामने अपना सामान है, गए थे लेट भैया लोग, सब दुकान बंद है भैया लोग, लेट है फिर मोटर पास सब बंद है। तो भैया का भैया बोले है डल्लम में आओ, वहाँ पर जाए फूल मकान में, वहाँ पर सब दुकान खुला रहता है, वहाँ पर लगवा लेंगे और सामान वहाँ सब हुए ले लेंगे। देखिए भैया लोग अभी बस स्टैंड में आए हुए हैं बस पकड़ने के लिए, भैया ओला के भैया लोग बुक कर रहे थे, ओला बुक नहीं हो रहा है, पता नहीं किस लिए भैया लोग 10 मिनट से ओला बुक कर रहे थे, लास्ट में बस से जा रहे हैं। हेलो भैया लोग, आ चुके हैं दुकान में यहाँ पे फूल भगवान, तो भैया लोग ये नहीं है, कहीं गए हुए खाना खाने, तो बोले बैठी आ रहे हैं, भैया के दोस्त की दुकान है, गाड़ी का सामान मिलता है, गाड़ी का जो चाहिएगा वो मिल जाता है। इस जगह का नाम है फूल बगान, समझे, तो आपका भाई आ चुका है, बहुत मेहनत लगा जी, बस में आया माथा घूम रहा है, लेकिन अभी तक खाए नहीं खाए, हम मछली ले गए थे ना, वहाँ मिस्त्री दे दिए बनाने के लिए, तो बना रहा है, देखिए पूरा एकदम गाड़ी का सामान मिलता है पूरे, देखते भैया डल्लब से मुझे गाड़ी से यहाँ लेकर आया 4 चक्का से, तो भैया का गाड़ी उधर में ठहरा है। हेलो, फिर यहाँ से अभी मैं 4 जगह से जाऊँगा, मैं गैरेज में, बोले बस से मैं नहीं आऊँगा क्योंकि बस से हेलो मेरा माथा घूमने लगता है, ठीक है जाके मैं छोड़ देंगे। तो हेलो सामान लेके यहाँ से निकलते हैं,
हेलो भैया लोग आ चुके हैं गैरेज में। भैया लोग बड़ा परेशानी हुआ जी, तो उधर से ना चार चक्का में भैया गाड़ी पे, तो उतना दिक्कत नहीं आया। जाने में मेरा माथा घूम रहा था बस में, लोग मेरा ना माथा घूमने लगता है पता ना किस लिए, क्योंकि रात दिन गाड़ी चलाते हैं, बस में गैस ना बना रहता है। देखिए इधर में साफ़ हो रहा है, भाई साफ कर रहा है बस। भैया लोग एक घंटा में मेरा गियर कम्प्लीट हो जाएगा ना भाई, एक घंटा लगेगा वो ठीक एकदम पूरा कम्प्लीट कर देगा। तो भैया लोग आपका भाई अभी तक खाया नहीं है, तो अभी खाएंगे भाई। ये भाई मछली बनाया है मेरा, बना दिया है, क्योंकि भैया लोग मछली लाए। अब भैया बोले डल्लब आओ, तो डल्लब चले गए, मछली दे दिए भाई को, बना लिया, अब खाएंगे। अभी टाइम बजे वालों 4 बजे, अभी तक खाए नहीं है। कहा कि जो भाई लोग गाड़ी लाने में बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है, तो ओके भाई लोग, तो ओके भाई लोग गाड़ी के काम करवाते हैं। अब पत्ती का तो काम हुआ नहीं, क्योंकि पत्ती वाला है ना वो बोल बम गया है, उनका लड़का है तो दूसरा गाड़ी में काम कर रहा है, सुबह से लड़का बिजी है। देखते वाला डी हो जाएगा ना तो माल भर लेंगे, रास्ता में करवा लेंगे। देखिए भाई लोग काम करवाते बने रहिए। हेलो भाई लोग, गियर फिट हो गया है, अब गाड़ी में फिट होगा। देखिए भाई लोग बहुत जल्दी फिट कर दिया जी, आधा घंटा लगा फिट कर दिया, और गाड़ी में आधा घंटा लगेगा। हेलो भाई लोग, अभी टाइम बज गया 4:30, आपका भाई अभी खा रहा है, बताइए इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है हमको, ये मिस्त्री से इतना घुमाया है ना, देखो हंस रहा है। भैया लोग गियर फिट हो गया तब खाना खा रहे हैं अभी, तो मेरा भाई बनाया है मछली भात, ये मिस्त्री भाई लोग बना दिया था, बंगाली बाबू सब आलू डाल के बनाया है। इतना लेट से भैया लोग खाना खा रहे हैं, बताइए गाड़ी में क्या कीजिएगा भैया लोग। ठीक है मछली बनाया हुआ, हेलो आपका भाई का काम हो गया, अब फिट हो रहा है जी। देखिए इधर में भाई लोग लगा हुआ है, देखिए बस सब आधा घंटा लगेगा इसको नट फट टाइट करने में। गाड़ी इधर फिट हो रहा है, इंजन गियर इंजन ही गियर बॉक्स हम भी भाग हुआ है, वहाँ लगेगा जब पाइप में। हेलो भैया लोग गाड़ी का काम हो गया, खाली सिर्फ भैया लोग गियर का ही काम हुआ, पत्ती का काम एक रह गया है। तो भैया लोग पत्ती तो मैं लेके आए थे हुएं से, अब भैया लोग पत्ती का कल सुबह करवा लेंगे। तो भैया लोग आज डीओ के लिए फ़ोन किए, डीओ नहीं हुआ ना तो सुबह पर काम करवा लेंगे। तो भैया लोग आपका भाई आज बहुत थक चुका है काम कर करके, बहुत परेशान हुआ जी, बस में गए डल्लब, डल्लब से गए फिर वहाँ फूल बगान, तो भाग अच्छा हुआ भैया लोग उधर से भैया आ गए गाड़ी से चार चक्का से, तो थोड़ा सा परेशानी कम हुआ। क्योंकि भैया लोग आपका भाई का ना बस में सर पकड़ लेता है, पता ना शुरू से आदत है, तो बस में आपका भाई बेसी घूमता नहीं। ओला बुक किए भैया लोग, ओला बुक ही नहीं हो रहा था आधा घंटा से, देखते पसीना से पूरा भीग गए हैं इतना काम कर रहे हैं। भैया लोग अभी टाइम बज गया 9, भैया लोग अभी जाएंगे नहा हुआ के खाओ के सो जाएंगे, क्योंकि आज आपका भाई खाना नहीं बनाएगा, आज बहुत थक चुका हूँ। तो भैया लोग नहा हुआ के सो जाएंगे। भैया लोग आज गाड़ी में ना भूसा घुस गया, ये चूहा बड़का इतना बड़ा है, आज सुबह सुबह उठ सो के उठे देखे तो मूसा घूम रहा है। देखिए पकड़ने वाला मैं ले रखा हूँ, तो इसमें रोटी लगाएंगे, फंस जाएगा तो जाकर उधर फिर जंगल में छोड़ देंगे, मारते नहीं हम। तब का भाई की गाड़ी में ना बहुत चीज़ घुसते रहता है, गिरगिट है, चींटी है, चूहा आते रहता है, पता ना किस लिए। आपका भाई का गाड़ी में सब चीज़ मिलेगा आपको। चलिए भाई लोग जाते हैं नहाने, अब भाई लोग कल खाना बनाएंगे कुछ अच्छा सा, आएंगे काम होगा खाना भी बनेगा, आज तो बनाए नहीं, मिस्त्री लोग को दे दिए लाकर मछली, 2 पीस खाए थे शाम में 4 बजे। बोलो जाते हैं नहाने भैया लोग, नहा वहा आके खाना वाना खा के सोएंगे। ब्लॉग के यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका भाई का ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। गुड नाइट, जय हिंद।